नमस्ते गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार आपको और भी अच्छा करने लेके आई आपके रिट्स एक बहुत ही शानदार और बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो यार बता दूं कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे मेरे को कि यार मैम मम्मी पे प्रैंक कर दिया, पूरी फैमिली पे प्रैंक कर चुकी है यार रिट्स। तो यार एक काम करो, आप पापा पे प्रैंक करो। यार मैं आपको बता दूं, पापा थोड़े गुस्से वाले हैं, इसलिए हमेशा से ना मैं डरती थी पापा पे प्रैंक करने के लिए। तो अब देखो मैं आपको बता दूं कि मैं आई हूँ अपने होम टाउन, जो कि आप लास्ट टाइम देख रहे होंगे, दो तीन वीडियो से मैं यही सारी शूट कर रही हूँ अपना। तो अब मैंने किया है, लास्ट वीडियो में मैंने किया था प्रैंक अपनी छोटी माँ पे, मौसी पे, तो अब मैंने प्रैंक किया है पापा पे। सोचा है प्रैंक करने का, मुझे नहीं पता प्रैंक गॉन रॉन्ग होता है, फेल होता है, क्या होता है, वो थप्पड़ वप्पड़ पड़े कुछ नहीं। वैसे बता दूँ पापा हाथ नहीं उठाते हैं मुझ पर, वो कहते हैं ना बेटी पे हाथ नहीं उठाया जाता। तो यार पापा, मैं घर के नीचे वाली ही पार्क में हूँ, पापा को फ़ोन करके बुलाते हैं, पापा कहाँ है कहाँ नहीं। वैसे उनका ऑफिस टाइम हो रहा है, तो लेट्स सी, कॉल करते हैं पापा को। फोन नहीं उठा रहे यार, ऑफिस के लिए जा रहे होगे शायद, हो सकता है। हेलो हेलो, हाँ 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 बेटा, कहाँ पे हो आप? मैं अभी घर पे हूँ, ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ बेटा। अच्छा सुनो, मुझे पता ऑफिस के लिए निकल रहे हो, मेरी बात सुनो। नीचे वाली पार्क है ना जो अपने घर के नीचे वाली, वो एक बार मुझे मिलना है आपसे ना, जरूरी बात करनी है। ऊपर आके नहीं बता सकती आप, आपको अभी नीचे आना पड़ेगा एक बार 5 मिनट। बेटा मेरे को निकलना है, और तू शाम को निकल सकती है? शाम को निकल सकती है, अभी आ जाओ, बहुत जरूरी बात है। अब बस आओ, मुझे नहीं बताया। यहीं से निकल जाना ऑफिस के लिए, आप 5 मिनट के लिए आ जाओ बस। ठीक है, आ रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो यार पापा आने के लिए तैयार हो गया है। वीडियो के रिएक्शन बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी स्टोरी मैंने ऐसी ही बनाई है, देखते हैं क्या होता है वीडियो में। वेटिंग टाइम, लेट्स सी। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हेलो ऐप के बारे में। अब मनाओ आपकी होली हेलो ऐप के साथ। हेलो ऐप आपके लिए लेके आया होली कैश धमाका 3rd से 9th मार्च के बीच, जिसमें आप जीत सकते हो 2 करोड़ तक के कैश प्राइजेस। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको गेम खेलनी है, और इस गेम से आप जीत सकते हो बहुत सारे कैश प्राइजेस। सो गाइस, देरी किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आप डाउनलोड करो हेलो ऐप को और पार्टिसिपेट करो इस कॉन्टेस्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हेलो ऐप का। मुझे पता आपको लेट हो रहा था ऑफिस के लिए। हाँ मैं ऑफिस ही निकला था, ऐसा काम था कि जो शाम तक ऊपर बताती तो मम्मी मारती पीटती ना। हाँ। इसलिए मैंने कहा क्या बात है। अच्छा सुनो, वो है ना आपने वो जो शादी के लिए लड़का देखा था, उसका क्या सीन है पहले ये बताओ? अभी तक तो कोई फाइनल करा नहीं। फाइनल नहीं हुआ ना? नहीं, करना भी मत। क्यों? क्योंकि मेरे को अभी करनी नहीं है ना। मैं पापा 2-3 दिन के लिए आती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ, ये शादी वादी ये बर्बादी है, आपको नहीं पता है। मेरे को और किसी लड़के के साथ नहीं करनी है, आप समझो बात को, क्योंकि जो मेरी इंडस्ट्री है ना, जो मेरी लाइन है प्रैंक की, उसमें बहुत ओपन फैमिली चाहिए होती है। और आपको पता है हरियाणा के लोगों की इतनी अच्छी ऐसी सोच नहीं है कि वो लोग प्रैंक में लड़की को सपोर्ट करें। आपको पता है मुझे 100 लड़कों से बात भी करनी होती है दिन में, प्रैंक्स करने होते हैं मुझे, इनके लिंक में रहना होता है। आप लोग सपोर्ट करते हो अच्छी बात है, शुरू में तो आप लोग भी नहीं करते थे ना, फिर भी आप इग्नोर करने लगे आसपास के समाज को देखते हुए। पर अब देखा आपने कि कितना प्राउड फील होता है ना आपको मेरे साथ चलने में भी, कि लड़की इतनी अच्छी वीडियोज़ बनाती है। लोग ये तक बोलते हैं कि हरियाणा की लड़की ने आके ना नाम हमारा रोशन किया। फिर आप प्लीज़ वो जो लड़के देख रहे हो ना, वो देखना मत करो पहले। मैं 2-3 दिन के लिए आती हूँ, मेरा दिमाग खराब रहता है, इसलिए मेरा सच यही वजह है, मेरा आने को मन ही नहीं करता यार कि शादी कर ले, ये कर ले। माँ बाप की एक इच्छा होती है कि उसकी बेटी उसके सामने चली जाए। मुझे पता है, मैं आपकी वो फीलिंग समझ रही हूँ कि हर मम्मी पापा की होती है, लेकिन लड़के आप समझो ना, ऐसी ओपन फैमिली नहीं मिलेगी हरियाणा में। मुझे नहीं शादी करनी किसी और से, मैं आपको क्लियर बोल देती हूँ, सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, कि मुझे एक लड़का बहुत पसंद है, इसलिए मैं किसी लड़के से भी शादी नहीं करना चाहती। क्या बताएं, मेरी बात आप सम, मेरे को लगता है आप समझोगे मेरी बात, क्योंकि वो यश चौधरी है ना, जिसके साथ मैं वीडियोस करती हूँ आए दिन, उसके साथ वीडियोस करती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, मेरी इज्जत करता है, मुझे रिस्पेक्ट देता है, सारा दिन मेरे साथ रहता है। मैं आपको बता दूँ, मैं आपसे क्या छुपाऊँ, पहली बार ऐसा हुआ ज़िंदगी में, मैं अपना डिसीजन बता रही हूँ आपको, क्योंकि वो बहुत बहुत प्यारा लड़का है, वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसकी मम्मी पापा एग्री है, और मम्मी को भी पसंद है यश। आज के टाइम में ये सोचो कि आप पे क्या गुजरती है, अब आप ये बोलोगे कि लड़के छोड़ देंगे, डिवोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो लड़का बहुत अच्छा है, हर लड़का एक जैसा नहीं होता पापा। माना वो जो एक्स था, आपको बताया था उसके बारे में शादी वादी के लिए, वो मना कर गया शादी के लिए, तो वो उसकी बदकिस्मती है ना। इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया कि आज तुम मेरे को बोलो हाँ जी मैं आपके फैसले पे नहीं जा रही हूँ, मैं
जी मैंने लड़का देख लिया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। शादी करवा दोगे धक्के से, डिवोर्स होते रहेंगे, तो आपको वो रास आएगी चीज़ें, खुश हो गए आप? मुझे पता है मेरी प्रैंक जो इंडस्ट्री है मेरी, उसमें मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे वो लोग जिनसे आप कर रहे हो रिश्ता। मैंने उस लड़के से मिली थी, मुझे पता है, और मैंने ही उसको जानबूझ के अपने बारे में बुरी चीज़ें बता दी ताकि वो आए ना शादी के लिए, क्योंकि लड़की ठीक दिखती है तो वैसे लड़के पागल हो जाते हैं। मैंने बहुत हिम्मत जुटा के आपसे बोली है, मैं ये बात मम्मी को करना चाहती थी लेकिन मुझे आपको करनी है। मैं 2-3 दिन के लिए आती हूँ यहाँ पे घर रहने के लिए, शांति के लिए आती मेरे को, मैं लाइक नहीं करता ये चीज़। सिर्फ यही वजह है मैं नहीं आती घर, सिर्फ यही वजह है। अगर आपको मानना तो मानो, नहीं मानना तो देख लो आप, क्योंकि मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। मेरे को तो उससे शादी करनी है, मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, ना मैं उसके बिना रह सकती हूँ, सीधी बात है भाई। आपको समझनी पड़ेगी चीज़, मेरे को पसंद है वो लड़का। मेरे को मैं क्या जवाब दूंगा ये बताओ मुझे, लोगों में क्या जवाब दूंगा? हाँ जी मैंने लड़की के कहने में शादी कर दी, तो कहेंगे जी आपने क्या देखा, ना परिवार देखा ना वो देखा। तो आप देख लो ना परिवार, क्या दिक्कत है? पूरा परिवार अच्छा है उसका, मम्मी पापा उसके मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो इतना प्यार करता है। सिर्फ पहली बार तो ज़िंदगी में खुद का डिसीजन बताने आई हूँ आपको। ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो, जो तुम चाहती हो वो करो। तो आप नहीं समझोगे, मतलब आप खुश किस्मती में नहीं करना चाहते ना, मन मर्जी से नहीं कर सकते ना अपनी। तो मैं उसके साथ, मैं आज ही आई हूँ और आज ही जा रही हूँ, अपना सामान पैक कर रही हूँ मैं ऊपर जाके, और मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना। जब मेरे को माँ बाप भी मेरे सपोर्ट नहीं करते, पहले प्रैंक में नहीं कर रहे थे और अब आप लोग करने लगे हो प्रैंक में, तो आप समझो ना मेरा वो डिसीजन सही था ना, प्रैंक चैनल वाला। ऐसे नहीं रोई थी मैं कैमरा, मुझे कैमरा दिला दो हर चीज़ के लिए। ये डिसीजन भी मेरा सही है पापा, मुझे पता है वो उस लड़के ने दगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी दगा देगा, हर लड़का एक जैसा नहीं होता। आपको नहीं करनी छोड़ो आप, मैं तो अपना डिसीजन बताने आई थी, स्पेशल दिल्ली से मैं आई इसलिए, और छोड़ने भी मुझे वही आया है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे उसी के साथ ही रहना है। मतलब मेरा फैसला आप अपना ही फैसला करोगे जो भी करोगे, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो ना, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। रहने दो, आप नहीं समझोगे, मुझे पता ही था, आई न्यू इट, मुझे पहले से चीज़ें पता थी कि आप समझोगे नहीं। मैं जा रही हूँ, अपना सामान पैक कर रही हूँ, क्योंकि आते वक्त हर जिस दिन आती हूँ उस दिन सारा दिन शादी के लिए लड़का देखा है, ये करा है, वो करा है, फोटो देख ले। अरे नहीं करनी रे शादी मुझे, मुझे सिर्फ उसी के साथ रहना है, प्लीज़ मैं जा रही हूँ, क्योंकि आप नहीं समझोगे मुझे पता है। आप ऑफिस जाओ और मैं घर जा रही हूँ अपने, दिल्ली जा रही हूँ। अब आपको आप रोने क्यों लग गए? मजाक कर दी पापा, ऐसे मत करो प्लीज। वही मैं सोच रहा था कि मेरे बेटा कैसे कर सकता है, मैं आपका बेटा हूँ, शेर हूँ मैं। कैमरा लगा रखा है, एरिक को लेके आई थी साथ में, मजाक, वो देखो कैमरा हो रहा, आप कैमरे के आगे आगे रोते हुए। सॉरी मेरे को नहीं करनी है, आप जिससे करोगे कहोगे ना मैं उससे शादी करूंगी। ठीक है, और मैं आपका बेटा हूँ, आप ऐसे कैसे कमजोर कैसे हो सकते हो? खुद तो इमोशनल हो और मुझे भी ऐसे बच्चे भी इमोशनल पैदा कर रहे हैं। हाय कर दो जल्दी से। सो ये मेरे पापा है, थोड़ा इमोशनल हो गया है, मैं भी इन्हीं की जैसी हूँ, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पर रोने लग जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बाकी इनसे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। सो इनका डिसीजन है ना, जो वो सलाखों पे है यार, जो ये बोलते हैं ना माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, सच बता रही हूँ। तो जहाँ ये बोलते हैं, जैसा ये बोलते हैं, हमारे भले के लिए बोलते हैं, तो इनकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो इनसे। ये परमानेंट ऐसे लोग हैं ज़िंदगी में जो लाइफ टाइम रहेंगे, और कोई लाइफ टाइम नहीं रहेगा, परमानेंट है ये लोग। तो रिस्पेक्ट करो और इनका डिसीज़न हमेशा इनको फॉलो करो। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने पापा से, और बहुत से लोग वीडियो देख रहे होंगे वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। तो यार माँ बाप की इज्जत करो, उनसे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। चलो आओ। सो गाइज आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो यार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यार जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यार सपोर्ट करो, प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके रिट्स को। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को शेयर नहीं करें शेयर कर दो, और मिलियन का सफ़र जल्दी से पूरा करा दो। यार आप लोग ही मोटिवेटर्स हो मेरे, जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, प्यार देते हो, इसलिए हम लोग जो भी है थोड़े से ही सही, आप लोगों की वजह से ही है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक, रियल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो फेक लोगों से थोड़ा सावधान रहो, जो मेरे नाम से बहुत ज़्यादा पेजेस वगैरह बना रहे हैं जो भी है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते रहेगी, हम भी हंसते रहेंगे और आपको भी साथ रहेंगे। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।